subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सत श्री अकाल, मैं प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आप उस वीडियो को देख करके फोटोशॉप के बारे में सीखते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको चार टूल के बारे में बताया था, तो उसमें अगले ही चार टूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा आएगा क्रॉप टूल, पेक टूल, हीलिंग ब्रश टूल एंड ब्रश टूल। तो आज हम इन चारों के बारे में डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ोटोशॉप का बिगिनिंग कोर्स फ्री में मिलता रहे और वो भी फ़ोटोशॉप सीख सकें आसानी से। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो के साथ में और इस मेरे चैनल के साथ आप फोटोशॉप के बारे में अच्छे से सीख सकें। तो दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया था, हम क्रॉप टूल से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्रॉप टूल मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता दूँ क्रॉप टूल का मतलब क्या होता है। क्रॉप टूल का मतलब होता है पिक्चर को क्रॉप करना। क्रॉप जैसे कि मान लीजिए मेरा ये जो आउटसाइड एरिया है, ठीक है ना, अब मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पर जब मैं क्रॉप टूल पर क्लिक करूँगा तो देखो कॉर्नर पर ये ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं कॉर्नर से, आप कट मूव करना चाहते हो कॉर्नर से मूव कर सकते हैं, और यहाँ से अगर हाइट से या फिर हॉरिजॉन्टली इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप फ़ोटो से क्रॉप टूल से आप सिर्फ फ़ोटो का साइज़ कम कर सकते हो, हालांकि इसका साइज़ से आप साइज़ को बढ़ा भी सकते हो, ताकि आप वहां पर आप कुछ एडजस्ट कर सको। लेकिन ध्यान रखना कि जो कलर आएगा वो वही कलर आएगा जो बैकग्राउंड में सिलेक्टेड होगा, ठीक है, और दूसरा कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रॉप टूल का यूज़ हो गया। लेकिन अब आप चाहते हैं क्रॉप टूल में रोटेशन करना चाहते हैं, तो आप पिक्चर को ऐसे कॉर्नर से रोटेट करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे, आपकी पिक्चर उस हिसाब से यहाँ पर रोटेट हो जाती है। अब हम जाते हैं उसी क्रॉप टूल के अंदर, हमारा आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक कप है, ठीक है, अब मैं इसको क्रॉप करता हूँ। अब मैंने इसको क्रॉप करने के बाद क्या किया, मैंने इसका एक कॉर्नर को लिया और इसको नीचे स्ट्रेट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि अब यहाँ पर ये पॉइंट है, अब इसकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेकर के यहाँ से जो एरिया रहेगा वो खींच के यहाँ तक आ जाएगा। एंटर करते के साथ ही आप देख लेंगे, तो देखिए क्या हुआ, ये जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया था वो उतना ही रह गया, लेकिन जो मैंने एक कॉर्नर सेलेक्ट किया था वहाँ तक वो पूरा स्ट्रेट हो गया, यानी इमेज खिंच गई और वहाँ पर वो पूरा कंप्लीट हो गया। हालांकि क्रॉप टूल में टूल्स इतना यूज़ नहीं होते हैं, मोस्टली क्रॉप टूल में सिर्फ ये यूज़ होता है कि आप ये फर्स्ट वाला पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का कोई खास यूज़ नहीं होता है डिज़ाइनिंग में या फिर किसी भी इमेज एडिटिंग वगैरह में, इतना खास यूज़ नहीं होता, बट ऑप्शन है तो हम इसको बताना पड़ता है उसके डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, हम आगे आते हैं आई ड्रॉपर टूल पर। आई ड्रॉपर टूल में क्या होता है, जैसे कि अब मान लीजिए मुझे कुछ कलर यूज़ करना है, वो कलर क्या है कि मुझे नहीं पता उसकी कलर वैल्यू क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ मुझे ही पता है कि मुझे वो कलर मेरी किसी इमेज के अंदर है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इसी कलर को पिक करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस कलर पे क्लिक करूँगा तो मेरा कलर यहाँ पर ये फोरग्राउंड के अंदर आ जाता है। अगर मैं दूसरे किसी इमेज पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि मुझे इसमें सही वाला कलर चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए वहाँ पर फोरग्राउंड में कलर आ गया, येलो पर क्लिक करते हैं वाला कलर आ गया। तो आप कलर को बना नहीं सकते हैं, तो आप वहाँ से उसको पिक करके यूज़ भी करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। ये आपका यूज़ कलर पिक का यूज़ होता है। देन हम अगले पर आते हैं, देन हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिर्फ जो मेन टूल्स हैं वो मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी जो उसके टूल्स हैं उनको हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, जो मेन टूल्स हैं उनके बारे में करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हीलिंग ब्रश टूल पे। हीलिंग ब्रश टूल देखिए क्या होता है, हीलिंग ब्रश टूल, पहले तो हम इसका ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑल्ट के साथ इस एरिया पर क्लिक किया, ठीक है ना, इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद अब मैं इसे जहाँ भी चलाऊँगा तो वहाँ पर देखिएगा उसका वो डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा,
दिस इज़ अ हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। अब इसमें एक इफेक्ट और होता है जो कि इसमें हमें नहीं दिख रहा है, जैसे कि मैं इसमें दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये वाली क्लिप्स के डुप्लीकेट्स हैं, तो अब ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में ये साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक किया, तो वही वाला शो हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे, ऑल्ट का बटन दबाएंगे और इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्लिक करते के साथ ही अब उसका वो ऑब्जेक्ट आने लग गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ से इसको चलाना स्टार्ट किया। हीलिंग में ये हो जाता है कि हीलिंग जो होता है ना, आपका एक शाइनिंग छोड़ देता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं एक शाइनिंग टाइप में बॉक्स बन गया। अब मैं इसको यहाँ पर चला रहा हूँ और ये सिंगल क्लिक पर चलता है, ध्यान रखिएगा सिंगल क्लिक पर चलेगा। आप जो क्लिक कर दिया था, आपको क्लिक छोड़ना नहीं है, आपको वो चलाना है जब तक जहाँ तक आपको जितना ऑब्जेक्ट चाहिए, देन उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब जब क्लिक छोड़ देंगे तो वो उतने ही प्रोसेसिंग लेके ब्राइटनेस एरिया पार्ट छोड़ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग ले रहा है। देखिए जैसे कि हो गया है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है हीलिंग ब्रश टूल का यूज़। अब उसके बाद हम आते हैं पैच टूल में। पैच टूल में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ई वाला वर्ड है, अब ये वाला वर्ड मुझको यहाँ से हटाना है, तो मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट कर लिया, मतलब पैच टूल लेकर के इसके चारों तरफ क्लिक दबा करके हमने सिलेक्शन ले लिया। अब सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं इसको जहाँ पर ले जा कर के छोड़ूंगा, वो एरिया वहाँ पर चला जाएगा और वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब मेरे ये वाला यार यहाँ से हटाना चाहता हूँ, या फिर मैं इसकी जगह कुछ और लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मुझे मोर ही चाहिए वहाँ पर, तो मैं मोर के ऊपर ले जा कर के इसको छोड़ दूँगा और वहाँ पर वो चीज़ आ जानी है। तो ये आपका जो होता है ये डुप्लीकेट्स क्रिएट करने के लिए होता है। आप किसी चीज़ का डुप्लीकेट करना चाहें तो आप आसानी के साथ ऐसे इस चीज़ का डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप इमेज एडिटिंग में भी इसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली इन सबका इमेज एडिटिंग में ही अच्छा यूज़ होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इतना खास यूज़ नहीं होता है इनका। जैसे कि अब मान लीजिए मुझे इसका डुप्लीकेट करना है, तो मैंने इसका यहाँ पर डुप्लीकेट कर दिया, बटन्स का इसको लिया मैंने, सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने ले जा कर के, सॉरी गलत जगह सेलेक्ट हो गया। अगर हमको डुप्लीकेट करना है तो हमें ध्यान रखिए कि हमें वहाँ का पार्ट सेलेक्ट करना होगा जहाँ पर हमको वो चीज़ चाहिए, तो मैंने वहाँ का पार्ट को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने उस सिलेक्शन को इसके ऊपर ले जा कर के छोड़ दिया, तो वो चीज़ देखिए वहाँ पर वो चीज़ आ चुकी है। तो ऐसे ही डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं आप पैच टूल और हीलिंग ब्रश टूल का यूज़ करके। अब उसके बाद हम जाते हैं यहाँ से ब्रश टूल में। ब्रश टूल में देखिए, जैसे कि ब्रश टूल में मैं ये इसी इमेज पे करके दिखाता हूँ आपको, ब्रश का भी साइज़ हमको बड़ा करना पड़ेगा। अब मुझे जो भी ब्रश चाहिए, ठीक है ना, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्रश के स्टाइल आ रहे हैं, सॉफ्ट ब्रश, हार्ड ब्रश। अगर मुझे सॉफ्ट ब्रश चाहिए तो सॉफ्ट ब्रश लेने के बाद यहाँ पर जो भी फोरग्राउंड कलर में कलर सेलेक्ट होता है ना, उसी कलर में वो यूज़ होते हैं। ब्रश का देखिए ज़्यादा खास यूज़ हम नहीं करते हैं, जब हम कोई इमेज एडिटिंग करते हैं, बैनर्स में कुछ क्लिपिंग मास्क वगैरह करना होता है या फिर हमें मास्क लगाना होता है, तब हमको ब्रश का यूज़ खास के पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के जो प्रोफेशनल यूज़ होते हैं, जो भी मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको भी यूजेस बता रहा हूँ, आई मैं उनके कोई काम नहीं बता रहा हूँ। जब हम ये टूल्स ख़त्म कर लेंगे और अब धीरे धीरे करके अपना काम चालू करेंगे, देन उसके बाद आपको मैं धीरे धीरे इनका प्रोफेशनल यूज़ बताता जाऊँगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को, मेरी हर एक वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम हार्ड ब्रश लेते हैं तो ये हार्ड ब्रश आ रहा है। देखिए हार्ड ब्रश और सॉफ्ट ब्रश में आपका ये फ़र्क होता है, और मास्किंग में इनका खास के ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि मैं आपको इसमें वीडियो के लास्ट में आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये वाला आपका आता है पेन टूल। पेंसिल टूल और ब्रश टूल में ज़्यादा कोई खास अंतर नहीं होता है। देखिए जैसे कि मैं आपको कोई एक ब्रश टूल का टूल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रास वाला ले लिया, ठीक है ना। ग्रास वाला लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पर चलाया, देखिए ग्रास को मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ग्रास आ रही है, क्लियर हमको दिख रही है ग्रास, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यही चीज़ पेंसिल में लेकर के चलाता हूँ, पेंसिल में चलाऊँगा, तो पेंसिल में देखिए थोड़ी क्लियरिटी कम हो जाती है। अब यही चीज़ मैंने उठाई यहाँ से, पेंसिल में चलाई,
ये चीज थोड़ा क्लैरिटी में डिफरेंस आता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सचर कलर हम बाद में करेंगे। तो देखिए अभी इसको हम यहाँ पे बैक करते हैं। और तो देखिए हमने जैसे कि देखा पेंसिल और ब्रश में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, दोनों सेम वर्क करते हैं। तो दोस्तों आज के जो हमारे चार टूल्स थे, क्रॉप पिकर, कलर पिकर, हीलिंग पैच, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, आप इन चारों की प्रैक्टिस करेंगे, देन मैं अगले जो वीडियो डालूँगा देन उसमें आगे के टॉपिक बताऊँगा। अब देखिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें मैं जैसे कि आ जाता है आपका फर्स्ट हो जाता है लेयर बॉक्स। मैं आपको हर वीडियो में कुछ कुछ शॉर्टकट की बताता रहूँगा, आप उसको याद करके यूज़ करेंगे। F7 इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। न्यू लेयर की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। ये हमारे न्यू लेयर की शॉर्टकट कीज़ हो गई। अब उसके बाद हम अपने डाटा को सेव कैसे करेंगे, तो सेव हमको करना है तो कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। हमारे डाटा को सेव करना है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हमको सेव एस करना है, हमने डाटा को सेव किया दैन दोबारा उसको सेव करना है, तो आप उसके लिए सेव एस करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस उसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो आपके चार शॉर्टकट कीज़ हो गई। अब उसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्ते।